All right, guys, welcome back to UG Entrances by Adda 24/7. This is your English mentor, Janvi Mehra, with you. और आज के इस सेशन में हम लोग अभी बात करने वाले हैं जो बच्चे म्यूजिक के अंदर अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एंड फाइन आर्ट्स के अंदर अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं फ्रॉम DU, तो उनको कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो CUET के अंदर देने होंगे और CUET एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आपका जो है फाइन आर्ट्स के कोर्सेज में या म्यूजिक रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन में, उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा. ओके, सो देख लेते हैं एक बारी. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के बारे में, तो पहला है आपका जो कोर्स होता है भैया, वो होता है BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन एंड संतूर. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में आप सभी को सिखाते हैं. जो भी आपके राग्स हैं, स्केल्स हैं, इनके बारे में कॉम्पोजिशंस वगैरह सिखाए जाते हैं. और कौन कौन से, देखो इसमें एलिजिबिलिटी में क्या क्या है, वोकल इंस्टीट्यूट, वोकल यानी कि सिंगिंग बेसिकली, इंस्ट्रूमेंटल सितार हो गया, सरोद का हो गया आपका, गिटार, वायलिन एंड संतूर में जो आपका BA ऑनर्स होता है. ओके, उसके बारे में बात है यहाँ पे. सो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो कैंडिडेट्स जो है उनको CUET में और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट दोनों में अपियर करना पड़ेगा. यानी कि CUET तो आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका ट्रायल भी होगा, है ना, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे गिटार बजाने का, सरोद बजाने का, संतूर बजाने का ट्रायल होता है, वो भी होगा आपका. सो कैंडिडेट्स, अब ये लोग जो है CUET में कौन कौन सा जो है सेक्शन देंगे, तो एक लैंग्वेज आप जरूर देंगे, एक लैंग्वेज आप जरूर दे देंगे, है ना, और एक चलो रुको जरा, जब आपने एक लैंग्वेज दे दिया उसके साथ आप क्या क्या देंगे, और परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो डोमेन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो डोमेन है डोमेन सेक्शन में, वो भी आप देंगे, जरूर देंगे. लैंग्वेज हो गया प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया और एनी टू सब्जेक्ट्स जो कि आप डोमेन से और देंगे, यानी कि आप क्या देंगे, लैंग्वेज देंगे और तीन सब्जेक्ट्स और दे देंगे फ्रॉम द डोमेन सेक्शन. मैम DU में BA के लिए 12th वाले सब्जेक्ट को ही डोमेन चूज करना होगा ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. सो और अगर दूसरा कॉम्बिनेशन है तो क्या दे सकते हैं, एक लैंग्वेज दे दो और दो सब्जेक्ट दे दो, किस में से, क्या कहते हैं, लिस्ट B1 में से यानी कि डोमेन में से, या फिर एक और सब्जेक्ट दे दो, या तो B1 में से या B2 में से, बेसिकली डोमेन में से तीन सब्जेक्ट देने हैं और कोई सा भी लैंग्वेज दे देना है तो हो जाएगा आपका. और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें क्या होगा, CUET की मेरिट जुड़ेगी और साथ में आपका जो ट्रायल होगा, जो आप गाना गा के सुनाएंगे या फिर वहां पे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बजा कर दिखाएंगे, तो उसका जब वो क्या है, उसके मार्क्स वो ऐड करेंगे मेरिट के अंदर, बेस्ट स्कोर से फिर आपका एडमिशन हो जाएगा इन पर्टिकुलर कोर्सेज में. ठीक है गाइज, आई होप आप ये सभी बात समझ गए होंगे. अच्छा, कौन कौन से कॉलेजेस में होते हैं ऐसे कोर्स, दौलतराम हिंदू कॉलेज में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में होता है, मिरांडा हाउस में होता है, रामजस में होते हैं ये सिंगिंग वोकल वाले कोर्सेज जो है, इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन एंड. आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर बेसिकली ये वही है, उसके अंदर जो आपका ग्रेजुएशन होता है BA ऑनर्स होता है. सो क्या क्या आप दे सकते हैं, देखो आपके जो कॉम्बिनेशन है CUET के, पहला कॉम्बिनेशन ये है, आपको CUET तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपना ट्रायल भी देना पड़ेगा. तो CUET में कॉम्बिनेशन वन ये है कि एक लैंग्वेज है, लिस्ट वन में से आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, फिर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का डोमेन देना पड़ेगा और बाकी दो सब्जेक्ट्स भी आपको देने पड़ेंगे डोमेन में से, तीन सब्जेक्ट डोमेन वाले, एक लैंग्वेज. दूसरा कॉम्बिनेशन भैया ये है कि या तो आप वन लैंग्वेज दे दो और परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर नहीं देना है तो फिर कोई दो सब्जेक्ट डोमेन में से दो और एक दूसरा, एक तीसरा सब्जेक्ट दो लिस्ट B1 या B2 में से. तो इसमें भी परफॉर्मेंस आपकी ऐसी जज होगी कि CUET का स्कोर उसकी मेरिट बनेगी और आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है यानी कि जो ट्रायल है उसकी मेरिट बन जाएगी. कौन कौन से कोर्स करवाते हैं ये तबला और पखावज में, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्था कॉलेज, मिरांडा हाउस है, रामजस कॉलेज है, और ये आपके सीट्स के नंबर है 8, 6 एंड 16. ओके, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, वीना एंड वायलिन में अगर BA ऑनर्स करना है, सो अगेन वही, एक लैंग्वेज दे दो, परफॉर्मिंग आर्ट्स का डोमेन दे दो, या फिर दो, मतलब प्लस उसके साथ दो सब्जेक्ट्स और दे दो डोमेन के B1 में से. अच्छा, एक लैंग्वेज दे दो, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं देना है तो फिर कोई दो सब्जेक्ट दे दो B1 में से और
B1 या B2 में से फिर एक और सब्जेक्ट दे दो. परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है और CUET का आप एक कॉम्बिनेशन इसमें से दे सकते हैं और क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में. जीवन में नहीं मतलब एडमिशन ले सकते हैं. सो वीना वायलिन देखो हिंदू इंद्रप्रस्था मिरांडा रामजस ये सब करवाते हैं. वीणा या वायलिन आप बजा सकते हैं. ओके चलो सो ये थे आपके कोर्सेज जो होते हैं आपके फाइन आर्ट्स और म्यूजिक से रिलेटेड. और CUET की स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा. 10 अप्रैल को होने वाला है. ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा 24/7. और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है प्रेपरेशन के लिए फ्रॉम अडर 24/7 फॉर द प्रेपरेशन ऑफ CUET तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर जाइएगा. वहां पर आप सर्च कर लीजिए अडर 24/7, है ना. आपने सर्च कर लिया अड्डा 24/7 आपके सामने आ गया. अडर 24/7.com पर गए, वहां पर आपने क्लिक किया CUET, यानी कि सर्च बार में आप लिख देंगे क्या CUET, जरा टाइप कर लेंगे तो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, साइंस के लिए अलग कोर्स है, कॉमर्स के लिए अलग कोर्स है और आर्ट्स के लिए अलग कोर्स है. उसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया जाएगा और आपका जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी है. जैसे कि अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे आप एक कोर्स को परचेज कर सकते हैं, उसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं. सो ये आपका आर्ट्स का कोर्स है. मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि आप जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो कोर्स आ जाएगा आपके सामने और आपको इतने प्राइस नहीं पे करने हैं, 10,000 रुपीज़ आपको पे नहीं करने हैं. आप व्यू ऑफर्स में जाएंगे और कोड लगाएंगे, ये वाला कोड लगाएंगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा. देखो ये पड़ेगा आपको 8500 का, लेकिन अगर आप कोड लगाएंगे, कोड लिख लेना आपके सामने भी होगा स्क्रीन के ऊपर Y453, जब ये लगा लेंगे तो अब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. 8300 का ये कोर्स जो है वो पड़ जाएगा गाइस, और तब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. सो कोड यही लगाना क्योंकि इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और बाकी कोड लगाएंगे तो फिर आपको 8500 का मिलने वाला है ये कोर्स. सो बाकी और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कॉमेंट करिएगा. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.